कार्यपत्रक संस्कृत सुबोध कक्षा 5 सप्तदश पाठ अर्थात पाठ 17 ईद महोत्सव। प्रश्न है, कह कथयति रेशमा करीम रहीम, अर्थात किसने कहा रेशमा करीम या रहीम। पहला है, सखे इमम निर्णयम कह अकरोत, ये कहा था रहीम। भ्रातरो ईद महोत्सव कदा भविष्यति, ये रेशमा ने कहा था। स्वह वयम प्रातः एव ईदगाहम चलिष्यामः, ये रहीम ने कहा था। रहीम, अद्य चंद्रस्य दर्शनम अभवत, ये करीम ने कहा था, तो यहां लिखेंगे करीम। वयम तत्र गमनाय नूतन वस्त्राणि एव धारिष्यामः, ये करीम ने कहा था। करीम, युवाम स्वह मम गृहम आगच्छतम, ये रहीम ने कहा था, लिखेंगे रहीम। भ्रात्रौ इतः पश्यताम, ये रेशमा ने कहा था। धातु पुरुषम वचनम च लिखत, धातु पुरुष और वचन लिखना है, यहां क्रियापद दिया गया है। तो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे इच्छन्ति, तो इसमें धातु है इस, पुरुष है प्रथम और वचनम है बहुवचनम, तो इसी तरह से लिखना है। जैसे भविष्यत, तो इसमें भू या भव धातु प्रथम एक वचनम, अकरोत क्री धातु प्रथम एक वचनम, चलिष्याम चल धातु उत्तम बहुवचनम, धारिष्याम ध्री प्लस अडिच धात उत्तम बहुवचनम, आगच्छतम गम या गच्छ धात मध्यम द्विवचनम, पश्यताम दृश्य या पश्य धातु प्रथम एक वचनम। अगला प्रश्न है, उचित पदेन सह मेलयत, उचित पद के साथ मिलान करना है, तो मिलाएंगे यदा, यदा को मिला देंगे तदा। स्वह, इसको मिलाएंगे हय। अस्य, इसको मिला देंगे तस्य। अस्य तस्य। इतः, इसको मिला देंगे ततः। युवाम, इसको मिलाएंगे आवाम। युयम, इसको मिला देंगे वयम। अस्माकम, इसको मिला देंगे युष्माकम। और अस्मिन को मिला देंगे तस्मिन से, इस तरह से इसका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द रूपाणाम विभक्तिम वचनम च लिखत, शब्द रूप के अनुसार विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे जनाह, तो इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन। रहीम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। चंद्रस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। भ्रातरौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। इमम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। गृहम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। मम, षष्ठी विभक्ति एक वचन। उत्सवे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस तरह से आप इस पूरे अभ्यास को कर सकते हैं।